नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो हमारा YouTube चैनल जिसमें हम आपके लिए लाते रहते हैं नए नए बिज़नेस आइडियाज़। और दोस्तों, आज का जो हमारा ये बिज़नेस आइडिया है ये है नोटबुक्स मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस के बारे में। आपने देखा होगा मार्केट में अलग अलग टाइप का जो आप नोटबुक देखते हो वो सारा बनाने के बिज़नेस के बारे में। दोस्तों, ये जो आपको मशीनें आज हम दिखाने जा रहे हैं इसमें आप अलग अलग टाइप का छोटा बड़ा लॉन्ग नोटबुक शॉर्ट बुक सभी रजिस्टर्स बना सकते हैं, वो भी कुछ मशीनों का इस्तेमाल करके ही। ये नहीं कि आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगेगा, कम इन्वेस्टमेंट में आप ज़्यादा आप प्रोडक्शन निकाल सकते हैं। तो चलो वीडियो को पूरा देखते हैं और ध्यान से लास्ट तक वो वीडियो ज़रूर देखें। दोस्तों, आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले घंटे को भी दबा दें, क्योंकि हम लाते रहते हैं नए नए बिज़नेस आइडियाज़ और नई नई जानकारी केवल आपके लिए। अब हम आपको बताते हैं कि नोटबुक मैन्युफैक्चरिंग का बिज़नेस कैसे किया जाता है, क्या क्या इसका मटेरियल रिक्वायर्ड होता है और कैसे इसका मशीन से प्रोडक्शन किया जाता है। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये नोटबुक है, इसमें आपका दो रॉ मटेरियल यूज़ होता है, एक फ्रंट वाला टाइटल, एक ये आपका अंदर वाला पेपर। ये दोनों का इस्तेमाल करके आपका नोटबुक तैयार होता है। तो आगे इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जान लेते हैं। सबसे पहले इन दोनों को इकट्ठा करके पेपर और टाइटल को आपका पेन लगता है। ये आप पेन देख सकते हैं, ये स्टेपल का पेन लगता है अंदर और बाहर। पेन लगने के बाद आपका पीछे से बैक स्क्वेयर होता है, बैक स्क्वेयर होने के बाद आपका एंड में कटिंग होकर आपका नोटबुक तैयार होता है। तो इसमें हमारे पास मैनुअल से लेकर ऑटोमेटिक तक सारी मशीन्स हैं। तो आइए देख लेते हैं ऑटोमेटिक मशीन का कैसे वर्किंग होता है। तो दोस्तों, ये है फुली ऑटोमेटिक नोटबुक 3-in-1 स्टिचिंग फोल्डिंग एंड स्क्वेयरिंग मशीन। इसमें आपने पेपर और टाइटल को इधर रख देना है, जैसे ये रखे पड़े हैं यहाँ पे। पेपर और टाइटल को जैसे दो दो का सेट है, ऐसे दो दो कॉपी का सेट है, ये एंड में कटिंग होता है आपका। ये आप देख सकते हैं, ये इसमें से नोटबुक का जो फाइनल प्रोडक्ट निकला हुआ है, इसमें आपका पेपर और टाइटल यूज़ होता है। आपने इधर इसको रख देना है। इधर रखने के बाद इसने ऑटोमेटिकली आगे लेके जाके यहाँ पे पिन करेगा, स्टिचिंग हेड है यहाँ पे। स्टिचिंग करने के बाद वहाँ पे फोल्ड होगा, यहाँ से स्क्वायर होके बाहर निकल जाएगा। इसका वीडियो आप आगे देख सकते हैं। तो ये था ऑटोमेटिक मशीन। इसमें आपने देखा कि कैसे नोटबुक का ऐसे स्क्वायर बन के बाहर आ जाता है। स्क्वायर करने के बाद आपका एंड में आता है कटिंग का काम। जैसे आप देख सकते हो वेस्ट पेपर इसका अंदर बाहर आ रहा है सारा। इस वेस्ट पेपर को और कॉपी को सिंगल में कट करने के लिए आपका पेपर कटिंग मशीन यूज़ होता है। पेपर कटिंग में 3 वेरियंट्स आते हैं, एक मैनुअल मशीन होता है, एक सेमी ऑटो होता है और एक प्रोग्रामेबल पेपर कटिंग मशीन होता है। आज हम आपको प्रोग्राम वाला पेपर कटिंग मशीन दिखाएंगे, जिसका वीडियो आप आगे देख सकते हैं।
जो भी आपके बड़े छोटे नोटबुक हो वो सारे इसमें तैयार हो जाते हैं, ऐसे कि आप देख सकते हैं ये सारे नोटबुक आपके तैयार हो गए। एंड में प्रोसेस आता है पैकिंग का, आपने देखा होगा पैकिंग करने के लिए आपका श्रिंक रैपिंग मशीन होता है, 5-5, 6-6 नोटबुक को इकट्ठा रैप करके आप उनको पैक कर सकते हो, तो उसमें आता है श्रिंक पैकिंग मशीन, उसका वीडियो भी आप देख सकते हो कैसे ये पैक करता है। तो दोस्तों ये था आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, कैसे नोटबुक तैयार होता है, क्या क्या इसमें मशीनरी रिक्वायर्ड होता है और कैसे इसमें आप प्रोडक्शन कर सकते हो। तो अगर आपको इस मशीन के बारे में और भी डिटेल्स चाहिए हो तो आप हमारे दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हो और जब मर्जी हमें कॉन्टैक्ट करके इसका पूरा इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो अब हम बात बताते हैं इसका कितना प्रॉफिट मार्जिन है उसके बारे में। दोस्तों ये जो आप नोटबुक्स देख रहे हो इसमें MRP पीछे लिखा हुआ है 25 रुपीज़ 25 और 30। हम इसका एग्जांपल लेके चलते हैं, अगर इस पे MRP लिखा है 25, ये इसका नोटबुक का साइज साथ में लिखा कितने बाय कितने का नोटबुक है, तो अगर 25 MRP का ही हम नोटबुक लेके चलते हैं तो इसका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होता है वो तकरीबन आपको पड़ेगा 10 रुपये के आसपास, जिसमें आपका इसका सारा फ्रंट पेज, आपका टाइटल पेज, आपके अंदर वाले पेपर सारे और आपका जो पिन है सारा A to Z इलेक्ट्रिसिटी कॉस्टिंग जो भी इस प्लांट का आएगा सारा कुछ मिला के 10 रुपये इसका कॉस्टिंग आता है। आगे यही नोटबुक है आपका 15 रुपीज़ में होलसेल में सेल होता है, तो एक नोटबुक के पीछे आपका 5 रुपये का प्रॉफिट है और इसे आप होलसेल में 5 का बेचते हो तो रिटेल में इसमें 25 का प्रॉफिट है। तो यही नोटबुक अगर आप कहीं भी जाते हो तो आपका 4-5 रुपये का मिनिमम प्रॉफिट दे के जाता ही है, और जितना बड़ा नोटबुक हो A4 का हो A3 का हो उसमें प्रॉफिट और भी बढ़ता जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कितने प्रॉफिट है और अगर आप इसका मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करते हैं तो आप कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट कम है तो कम भी कर सकते हो, अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो ज़्यादा भी लगा सकते हो, वो सब आप पे डिपेंड करता है। तो इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जितनी मशीनरी है ये सारी यहाँ पर ही मैन्युफैक्चर होती है, कहीं बाहर से नहीं आती। ये भी देख लो ये रेडी मशीन है, ये पीछे रेडी हो रही है, और ये आपका स्टिचिंग फोल्डिंग स्क्वेयरिंग मशीन है, ये भी जैसे रेडी हुआ अभी, तो पीछे आप देख सकते हो सारी मशीनें रेडी हो रही हैं। ये स्टिचिंग फोल्डिंग मशीन है, इसमें आपका नोटबुक पिन होके, ये भी फुली ऑटोमेटिक मशीन है इसलिए अभी रेडी हो रही है मशीन, इसमें सिर्फ आपका स्टिच होके यहाँ से फोल्ड होके बाहर निकलेगा। उसमें आपका स्क्वेयर भी होता है, ये ऐसे का स्क्वेयर भी होगा 3-in-1 में, इसमें आपका स्क्वेयरिंग नहीं होगा, इसमें सिर्फ आपका पिन लग के फोल्ड होके बाहर निकलेगा। ये उससे नीचे वाला मॉडल है। आप WhatsApp पे जब हमें कॉन्टैक्ट करेंगे तो हम इसके सारे डिटेल्स आपको WhatsApp करेंगे, तो आपको ब्रीफ में पता लग जाएगा कि ये काम कैसे और क्या क्या मशीन का क्या पर्पस है। तो और जिस डिटेल के लिए हमारे WhatsApp पे ज़रूर कॉन्टैक्ट करें ताकि हम इस बिज़नेस के बारे में आपको डिटेल से बता सकें और आप अपना बिज़नेस शुरू कर सकें। इसके वीडियो में बस इतना ही, और इन्फॉर्मेशन के लिए जब मर्ज़ी हमें कॉन्टैक्ट करें, हम इस बिज़नेस के बारे में सारी डिटेल्स आपको देंगे। धन्यवाद।